हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट चित्रपदानी 1, 2 एंड 3 ऑफ आवर विकास संस्कृत वर्कबुक सेम 1। इट इज स्टैंडर्ड 7th वर्कबुक। चित्रपदानी 1, 2, 3 चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1। For each of the given questions, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. MCQs questions से यहाँ पर चार options दे रखे हुए हैं और right option को tick करना है और box में लिखना है picture देख करके. First picture is which पिक्चर इज दिस, यह किसकी पिक्चर है? चषकः, आसन्दः, आसनम्, पर्यंकः। तो राइट ऑप्शन को हमें लिखना है, तो ये पिक्चर है किसकी? आसन्दः, बी नंबर। तो हमने यहाँ पर बी को टिक किया और ऑप्शन में नंबर बी लिखा। सेकेंड क्वेश्चन इज विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? स्यूतः, कटः, समीकरः, कंदुकः। द राइट आंसर इज स्यूतः, ए नंबर। थर्ड नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? किसकी पिक्चर है? ए आसंदा, बी सयनम, सी सैया, डी पर्यंकः। राइट आंसर इज डी पर्यंकः। फोर्थ नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? आसनम, कटः, चषकः, समीकरः। द राइट आंसर इज कटः, बी नंबर। फिफ्थ नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? चषकः, स्यूतः, आसन्दः, जलपात्रम्, ए नंबर चषकः। सिक्स नंबर विच पिक्चर इज दिस, पत्रभारः, स्यूतः, कंदुकः, कटः। राइट आंसर इज नंबर सी कंदुकः। तो ये चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया हुआ है और अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो एक बार और चैप्टर देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद ही वर्कबुक कंप्लीट करना होता है। पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लेना होता है। तो अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पहले हम चैप्टर को देख लेंगे, इसके बाद वर्कबुक कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह किसकी पिक्चर है? कौन सी पिक्चर है? ए सम्मार्जनी, बी निश्रेणी, सी दंडः, डी कटः। ए नंबर सम्मार्जनी, राइट आंसर। एट्थ नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? ए योजिनी, बी मापिका, सी रंध्रिका, डी तुला। राइट आंसर इज सी रंध्रिका। नेक्स्ट पेज 9 नंबर क्वेश्चन विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? सब हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वीडियो देख करके हम एक बार समझ लेंगे, इसके बाद हम ये फिलअप करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? योजिनी, रंध्रिका, सम्मार्जिनी, सुचिह। तो क्या है ये? योजिनी, ए नंबर योजिनी। टेंथ नंबर विच एनिमल इज देयर इन द पिक्चर, यहाँ पर कौन से एनिमल के पिक्चर है? मूषकः, शशकः, शायिका, वृक्ष शायिका। राइट आंसर इज नंबर डी वृक्ष शायिका। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? सम्मार्जिनी, सुचिका, निश्रेणी, निश्रेणी तुला। सी नंबर इज राइट आंसर निश्रेणी। ट्वेल्थ नंबर विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? वस्त्रम, युतकम, कंकतम, अर्गलम।
राइट आंसर इज बी युतकम। 13 नंबर, विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? ए व्यजनम, बी कंकतम, सी फेनकम, डी युतकम। राइट आंसर इज बी कंकतम। 14th नंबर, विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? व्यजनम, परडम, फेनकम, अर्गलम। ए नंबर इज राइट आंसर व्यजनम। 15 नंबर, विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? ए नंबर गृहम, बी कुटी, सी नंबर युतकम, डी नंबर द्वारम। राइट आंसर इज ए नंबर गृहम। 16 नंबर क्वेश्चन, विच पिक्चर इज दिस, यह कौन सी पिक्चर है? ए नंबर चित्रम, संगणकम, दूरदर्शनम, दर्शनम। द राइट आंसर इज बी नंबर संगणकम। 17th नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सूचिका, सूचिका का मतलब क्या है? ए नंबर ब्रूमस्टिक, बी निडल, सी चेयर, डी पायस। द राइट आंसर इज बी नंबर निडल। 18 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड निश्रेणी, निश्रेणी का मतलब क्या है? ए लैडर, बी साई, सी साइन, डी नंबर स्कूल। ए नंबर इज राइट आंसर लैडर। 19 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अर्गलम, अर्गलम का मतलब क्या है? ए कंप्यूटर, बी विंडो, सी स्टॉपर, डी नंबर फैन। राइट आंसर इज सी नंबर स्टॉपर। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंदुकह, कंदुकह मीन्स अनियन, बॉल, वेस्ट बैंड एंड एडिबल रूट। राइट आंसर इज बी नंबर बॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉच द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द संस्कृत नेम ऑफ द पिक्चर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो इट। तो पिक्चर देखना है और संस्कृत में उनका नाम बताना है। तो ये सब कुछ हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ आंसर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, पत्र भार, समीकर, भ्रमण भाष, पर्वत, दंडदीप, पादप, नौका, मापिका, पत्रपेटिका, अग्निपेटिका, शुचिका, जपमाला, तुला, उपनेत्रम, अर्गलम, पर्णम, आम्रफलम, द्वारम, फेनकम, वातायनम। राइट द संस्कृत नेम ऑफ फोर हाउस होल्ड थिंग्स फ्रॉम अबव पिक्चर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो एंड राइट देयर इंग्लिश नेम अगेंस्ट देम। ऊपर हमने जो पिक्चर सभी देखे, तो ये बोल रहे हैं राइट द संस्कृत नेम ऑफ फोर हाउस होल्ड थिंग्स, चार हाउस होल्ड मतलब घर में यूज होने वाली चीजों के नाम लिखने हैं जो ऊपर पिक्चर दिए हुए हैं, फ्रॉम अबव पिक्चर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए, यहाँ पर संस्कृत में नाम लिखने हैं, फिर इसके बाद उसको इंग्लिश में भी नाम बताना है। तो कुछ पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करके, कुछ नेम हमने लिखे हुए यहाँ पर सेलेक्ट करके, नंबर वन समीकर आयरन, सेकेंड नंबर अग्निपेटिका मैच बॉक्स, थर्ड नंबर मापिका रूलर, फोर्थ नंबर फेनकम सोप। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। तो यहाँ पर दो दो मीनिंग सामने दे रखी गई हुई है और राइट मीनिंग को हमें टिक करना है और सामने लिखना है। वन नंबर कटह मीन्स मैट, तो हमने यहाँ पर मैट लिखा। सेकेंड नंबर चषकह ग्लास, ग्लास इज राइट आंसर। थर्ड नंबर सम्मार्जनी ब्रूमस्टिक इज राइट आंसर। फोर्थ नंबर तुला बैलेंस, फिफ्थ नंबर व्यजनम फैन,
6 नंबर उपनेत्रम स्पेक्टेकल्स. नाउ एक्टिविटी टाइम. राइट 3 नेम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट टूल इन द हाउस यूजफुल थिंग्स इन द ऑफिस एंड टूल्स ऑन द फार्म इन संस्कृत विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो ये बोल रहे हैं कि आपके टीचर की हेल्प से आपको क्या करना है. राइट 3 नेम्स, 3 नाम लिखने हैं. किसके किसके नाम लिखने हैं? 3 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, जो घर में बिजली के कुछ उपकरण हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर है, फैन है, इस तरीके की चीज़ों के नाम लिखने हैं. इसके अलावा टूल्स इन द हाउस, जो टूल्स हम कुछ हाउस में घर में यूज़ करते हैं घर के काम के लिए, और यूज़फुल थिंग्स इन द ऑफिस, और ऑफिस में कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो काम आती हैं उनके नाम लिखने हैं. एंड टूल्स ऑन द फार्म, और फार्म यानी खेत में काम करने के लिए कुछ टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं, हल है, बैल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सोच करके लिख सकते हैं, उनके नाम संस्कृत में लिखने हैं आपके टीचर की हेल्प से. तो यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें तैयार की हैं, देख लेते हैं. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में क्या लिखा है हमने? समीकरण, दंडदीप, व्यजनम और हाउसहोल्ड टूल्स में मापिका, सम्मार्जनी, तुला. यूजफुल थिंग्स इन द ऑफिस में हमने लिखा है आसंदा, पत्रभारा. आसंदा मीन्स चेयर. पत्रभारा, संगणकम और टूल ऑन द फार्म. फार्म में भी हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? लवित्रम मतलब सिकल, हलम, वृषभ. तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 चित्र पदानी 1, 2, 3 फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू, टेक केयर.